क्या म्यूजिक सुनने से भी किसी की मौत हो सकती है? 1962 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था ग्लास हार्मोनिका। अगर आप पानी से भरे कांच के बाउल के किनारों के ऊपर से उंगलियां फहराओगे तो एक आवाज आती है। इसी कंसेप्ट पर ग्लास हार्मोनिका बनाया गया था। लेकिन जब भी यह इंस्ट्रूमेंट कहीं पर भी बजाया जाता था तब लोगों की कंप्लेंट आने लगी कि इसका म्यूजिक सुनने के बाद सर दर्द शुरू होता था। जर्मन टाउन में जब एक कॉन्सर्ट में इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया तब कॉन्सर्ट में आए 60 से 70 लोगों को सर में दर्द और उल्टियां जैसी फेज शुरू हो गई और कॉन्सर्ट में आए एक बच्चे की भी मौत हो गई। इस बात को गंभीरता से लेके जर्मन पुलिस ने इस इंस्ट्रूमेंट को ही पूरी तरह से बैन कर दिया। वैसे आपको कभी कोई गाना सुनने के बाद सिर में दर्द हुआ है क्या? कमेंट्स में जरूर बताइए।